हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एमएससीईटी 2022 के लिए फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रिपरेशन नहीं किया है तो भी आपको इन चैप्टर्स को करने के बाद ऑलमोस्ट 25 से 30 मार्क्स तक का प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी पड़ेगी क्योंकि लास्ट 20 डेज रहे हैं सिर्फ एमएससीईटी के लिए। स्टार्ट करेंगे विच आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग द फर्स्ट। So the important topics of MSTCET 2022, सबसे पहला चैप्टर जिसपे वेटेज है 2 मार्क्स का, दैट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन 11th क्लास का टॉपिक है लेकिन यहाँ से 2 मार्क्स फिक्स है कि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही। देन इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, यहाँ से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस है, ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। रोटेशनल डायनेमिक्स एक बहुत ही हार्ड चैप्टर है पर यहाँ से कुछ इजी और कुछ हार्ड ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बट अगर आप सही से प्रिपरेशन करते हैं तो 3 मार्क्स यहां से आपको आराम से मिल जाएंगे। नेक्स्ट केटीजी बहुत ही इजी चैप्टर है, यहां से आपको स्कोरिंग करना कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही थ्योरी ज्यादा है बट लेकिन कॉन्सेप्ट्स वाइज और अगर आपको थ्योरी सही से रिवाइज होती है तो यहां से 3 मार्क्स आराम से आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन ऑफ वेव इज ऑल्सो इजी टॉपिक, बहुत ही इजी तरह से आपको मार्क्स मिल जाएंगे यहां से, 2 या 3 क्वेश्चन हर साल यहां से पूछे जाते हैं, सो प्रिपेयर वेल फॉर दिस चैप्टर। अगेन उसके बाद वेव ऑप्टिक्स जो है यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजिंग पार्ट है लेकिन यहाँ से ऑलमोस्ट अगर आप सही से प्रिपरेशन करते हैं तो 2 to 3 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे। ऑसिलेशन से 2 क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर्स ये 11th का और 12th का दोनों का मिलाकर इसमें टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को भी आप सही से प्रिपेयर करें, इधर एक भी फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, थियरी है और फॉर्मूला बहुत मिनिमम भी है अगर है भी तो, ठीक है। तो इस चैप्टर को भी आप आराम से कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक से 2 या 3 सवाल है, एक हार्ड चैप्टर है बट फिर भी अगर आप इन पे इस चैप्टर पे ध्यान देते हैं तो आपके बहुत से आगे के चैप्टर भी इंप्रूव और मार्क्स गेनिंग हो सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी एक इग्नोर्ड टॉपिक है जो कि क्लास 11th का है, यहाँ से 2 सवाल आते हैं, कोई भी चैप्टर के अंदर घुस जाता ही है और वहां से सवाल आ जाते हैं क्योंकि कैसा है इलास्टिसिटी के अंदर जो यंग्स मॉडुलस और बहुत सारे कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर ये सब के, वो केटीजी के अंदर आ जाता है, रोटेशनल डायनामिक्स में आ जाता है और दूसरे दूसरे चैप्टर्स में मिक्स होकर आता है, ठीक है। तो इस लेसन को भी अच्छी तरह से प्रिपेयर करना जरूरी है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इन चैप्टर्स को अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट आई थिंक आपका 25 मार्क्स तक का प्रिपरेशन हो जाता है, ठीक है। सो आई होप अगर आप रोज एक एक दो दो चैप्टर भी अगर आप यहां से निकालते हैं तो आपके परसेंटाइल अच्छी बन जाएगी फिजिक्स के अंदर, ठीक है। अगर आपको थ्योरी के बारे में प्रिपेयर करना है या इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं तो आप मेरे चैनल पर आगे और वीडियोस को भी देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने फिजिक्स के सारी थ्योरी एंड सारी एमएससीईटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कराए हैं। सो वॉच द चैनल एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एमएससीईटी।